नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल समीर होम टेक। दोस्तों, स्मार्टफोन को एक्सेस करने के लिए हमें ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है और कई बार हम अपने फोन में एक से ज्यादा ईमेल आईडी बना लेते हैं। फिर बाद में हमको कंफ्यूजन होता है कि हमको इस ईमेल आईडी को रखना है या इसको नहीं रखना है। कई बार हम जब फोन में कोई कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं यानी कि नंबर स्टोर करते हैं, तो भी गूगल हमसे आईडी पूछता है कि हमें किस आईडी में नंबर को स्टोर करना है, तो भी हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी आईडी को यूज करें। तो दोस्तों, अपने फोन से एक्स्ट्रा ईमेल आईडी को डिलीट करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से ईमेल आईडी को डिलीट किया जाता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल। दोस्तों, ईमेल आईडी को मिटाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में और उसके बाद हम टच करेंगे गूगल पर। कई लोग जीमेल के द्वारा भी इस जगह पर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेटिंग्स का यूज कर रहे हैं और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके हम गूगल पर टच करेंगे। दोनों से जाने का मकसद एक ही है। इस जगह पर आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमारी करेंट आईडीज ये दिखा रहा है। इस वक्त मेरे फ़ोन में 5 आईडी हैं जो कि यहाँ पर दिख रही हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने जो नीचे वाली आईडी है उनको हाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। देखिए, हम इस वाली आईडी को डिलीट करना चाहते हैं जिसका नाम है 24amir9@gmail.com। इसके बाद हम यहाँ पर टच करेंगे जहाँ लिखा हुआ मैनेजर गूगल अकाउंट। अब हमारा ये वाला मेन्यू खुल गया है। इसके बाद हम थर्ड टैब पर जाएंगे। देखिए, फर्स्ट टैब है होम, सेकंड पर्सनल इन्फो और थर्ड वाला है डेटा एंड प्राइवेसी। डेटा एंड प्राइवेसी में जाने के बाद हम इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर मोर ऑप्शंस में दिया हुआ है डिलीट योर गूगल अकाउंट। अब हम यहाँ पर टच करेंगे। इस जगह पर आने के बाद गूगल हमसे पूछता है कि सबसे पहले आप पासवर्ड डालिए कि ये आईडी आपकी ही है या नहीं। हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे। ये मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। पासवर्ड ब्लर है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। अब हम नेक्स्ट पर टच करेंगे। इस जगह पर ये हमसे अकाउंट को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहां पर आने के बाद हमें इन दोनों चेक मार्क पर टच करना होगा और फिर उसके बाद हम डिलीट अकाउंट पर टच करेंगे। इसके बाद ये हमसे क्रोम ब्राउजर ओपन करने के लिए कहेगा। देखिए, अब इस जगह लिखा हुआ है कि योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डेटा हैव बीन डिलीटेड। इसका मतलब कि आपका गूगल अकाउंट जो था वो अब डिलीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि ईमेल आईडी को कैसे डिलीट किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।